नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी जो गैर संवैधानिक संस्थाओं की जो सीरीज हम पढ़ रहे थे, उसका चौथा लेक्चर है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सांविधिक संस्थाओं का चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा था। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पढ़ा था और तीसरे लेक्चर के अंदर हमने मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में पढ़ा था। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से। तो ये जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, इसका जो संबंध है वो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 से है। तो इसका मतलब कि ये एक सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसका गठन एक कानून के माध्यम से हुआ है, इसलिए सांविधिक संस्था है। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम हमें पूरा का पूरा धाराओं के साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसके अंदर पीपीटी की स्लाइड्स के साथ साथ इस अधिनियम को भी मैं डिटेल में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट में दूंगा, लेकिन मैंने केवल इसलिए ये बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम के एक पॉइंट का मैंने उल्लेख करने की कोशिश की है कि जो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये तीन मुख्य बातों का प्रावधान करता है। एक राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग यानी राष्ट्र के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, और तीसरा बालक न्यायालय का प्रावधान करता है। जैसा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, मानव न्यायालय के बारे में प्रावधान करता है, उसी प्रकार ये बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट और उसके बाद चाइल्ड कोर्ट का प्रावधान करता है। सेंटर के अंदर तो इसके यहाँ राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन सभी राज्यों में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश भी अपने यहाँ राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के लिए प्रयासरत है, हालांकि उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की है। तो अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। तो सबसे पहले ये कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में हुई। यानी जो हम बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की बात कर रहे थे, उसी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने मार्च 2007 में राष्ट्रीय चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन का गठन किया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है, स्टैचुरी बॉडी है। क्यों बॉडी है? सांविधिक निकाय क्यों है, संवैधानिक क्यों नहीं है? कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख कानून में है, इसलिए सांविधिक या फिर वैधानिक निकाय हम इसे कहेंगे। अब आयोग का अधिदेश क्या है? अधिदेश का मतलब आयोग किन उद्देश्यों को या किन चीजों को प्राप्त करना चाहता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आयोग का जो अधिदेश है, अधिदेश का मतलब होता है कि क्या उद्देश्य है। तो आयोग का उद्देश्य है कि जितनी भी समस्त विधियां हैं, कानून है, जितनी भी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो सब बालक के अधिकारों के अनुरूप हो। यानी देश के अंदर जो भी कानून बने, नीतियां बने, कार्यक्रम बने, प्रशासनिक तंत्र हो, वो सब बालकों के अधिकारों के अनुरूप हो, जैसा कि हमारा संविधान या फिर यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन कहता है। अब ये संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन क्या है, और याद रखिए भारत इसका हस्ताक्षर करता है और भारत में इस कन्वेंशन को अनुसमर्थित किया गया है। बालक अधिकारों के अंदर ये जो कन्वेंशन था, इसे हमने 20 नवंबर 1989 को इसे अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया, लेकिन हमने इसे लागू कब किया? 11 दिसंबर 1992 को। तो ये वाली दो तारीखें आपको याद रखनी है कि 20 नवंबर 1989 को यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन को हमने 20 नवंबर 1989 को अडॉप्ट किया और 11 दिसंबर 1992 को हमने इसे लागू किया, इसे रेक्टिफाई किया। और इसके अनुसार बालक की जो परिभाषा है वो दी गई है 0 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के
बच्चों तक के लिए। हालांकि इसके अंदर प्रावधान में परिवर्तन करने की बात चल रही है, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि बालक किस आयु श्रेणी को माना जाता है, तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु को। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो ये 7 सदस्यीय होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं, एक सदस्य सचिव भी होता है, हम उसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि हर आयोग के अंदर एक सदस्य सचिव होता है, तो एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। अध्यक्ष के बारे में इस अधिनियम में योग्यता लिखी गई है कि एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो बच्चों के वेलफेयर के बढ़ावा देने के लिए, बच्चों की वेलफेयर को आगे लाने के लिए उसने कुछ असाधारण कार्य किया, और 6 सदस्य होंगे। अब 6 सदस्य कौन होंगे, इसके लिए 6 अलग अलग योग्यताएं दी गई हैं, यानी एक 6 योग्यताएं हैं, हर सदस्य एक एक योग्यता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और याद रखिए इन 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है। क्या अध्यक्ष महिला बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। हमारे यहां शांता सिंह, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहली अध्यक्ष थी, वो एक महिला ही थी। स्तुति काकर जो कि लास्ट सेकंड थी, वो भी एक महिला थी। लेकिन 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है। अब इन 6 सदस्यों की क्या योग्यताएं हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। पहला, शिक्षा, ई से याद रखिए, एजुकेशन, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण और बाल विकास, यानी आप याद रखिए हेल्थ एंड डेवलपमेंट या हेल्थ एंड वेलफेयर। तीसरा, किशोर न्याय, यानी बच्चों से संबंधित जस्टिस की बात हो रही है। बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर, बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी या पेडोलॉजी, बच्चों से संबंधित कानून यानी चाइल्ड लॉ। तो ई याद रखना है एजुकेशन, एच याद रखना है हेल्थ, जे याद रखना है जस्टिस, एल से याद रखने हैं 2 लेबर और लॉ, और अगला याद रखना है साइकोलॉजी। तो ये 6 जो सदस्य होंगे, एक शिक्षा से संबंधित होगा, एक हेल्थ से संबंधित होगा, एक न्याय से संबंधित होगा, एक चाइल्ड लेबर से संबंधित होगा, एक चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित होगा, एक चाइल्ड लॉ का जानकार होगा। तो ये 6 सदस्यों की 6 अलग अलग योग्यताएं हैं, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से की जाती है। देखिए, अगर मान लीजिए कि राज्यों के अंदर राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, तब भी संरचना यही है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, यही योग्यताएं हैं, और इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है, और यही 6 योग्यताएं हैं। बस अंतर क्या है, यहां पर नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से। वहां पर नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। अध्यक्ष के मामले में कहा गया है कि अध्यक्ष की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होगी। सदस्यों के मामले में नहीं कहा गया कि सदस्यों का सिलेक्शन एक चयन समिति की सिफारिश पर होगा। अध्यक्ष के मामले में कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय चयन समिति होगी, और जिसके अध्यक्ष कौन होगी? महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री। अब राज्य में होता तो राज्य सरकार के द्वारा गठित राज्य की 3 सदस्यीय चयन समिति। अध्यक्ष कौन होगी? महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री। अन्य 2 कौन होंगे? वो राज्य सरकार तय करेगी, सेंटर में केंद्र सरकार तय करेगी। इसके अलावा अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। हालांकि आयु भी बताई गई है कि अध्यक्ष के मामले में 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, सदस्यों के मामले में 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष, या तो कार्यकाल पहले हो जाए या फिर आयु पहले हो जाए। और कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधियों से ज्यादा के लिए पद धारण नहीं करेगा। हमारी जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष पहली थी शांता सिंह, वो 2 अवधि के लिए रही थी, 2007 से 2010 और 2010 से 2013 के लिए। तो याद रखिएगा, कोई भी अध्यक्ष व सदस्य केवल 2 ही कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। कार्यकाल कितना? 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष। यही एज इट इज आपका स्टेट में होगा, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं PDF के अंदर वो पूरा का पूरा कानून दूंगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा किसे देंगे? केंद्र सरकार को। राज्य के होंगे तो राज्य सरकार को इस्तीफा देंगे। अब इन्हें हटाया कैसे जाता है? देखिए, हटाएगा सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग होगा तो राज्य सरकार। हटाने के वही पैरामीटर्स हैं जो हमने राष्ट्रीय महिला आयोग या
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में पढ़े थे। पहला, कदाचार और क्षमता के आधार पर, दिवालिया मानसिक रूप से अस्वस्थ, कार्य करने में सक्षम, नैतिक अनैतिक होने पर। या फिर ये तीसरा पॉइंट याद रखना है, आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट देखिए, अध्यक्ष व सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उचित सुनवाई का एक अवसर ना दिया जाए। ये वाला पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब वेतन भत्ते, वेतन भत्ते केंद्र सरकार तय करेगी और राज्य का होगा तो राज्य सरकार तय करेगी, और विशेष रूप से उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके वेतन भत्ते सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे? ताकि वे आयोग अपना कार्य निष्पक्ष व स्वतंत्र रहकर कर सके। अब आगे बात करते हैं हम इसकी प्रक्रिया की। देखिए, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है केंद्र सरकार से मिलकर, लेकिन इसके अंदर 5 पॉइंट आएंगे जो राष्ट्रीय महिला आयोग में भी एक जैसे रहते हैं, इसमें भी। मैंने उस समय नहीं पढ़ाए थे लेकिन इसमें पढ़ा रहा हूं। याद रखिए कि अधिवेशन बुलाया जाता है, बैठक बुलाई जाती है जब अध्यक्ष तय करता है, लेकिन पहले अधिवेशन और अगले अधिवेशन के बीच में 3 मास से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं संसद की दोनों बैठकों में 6 मास से ज्यादा का अंतर नहीं होगा, यानी साल में कम से कम 2 बैठकें होनी जरूरी है, वैसे ही राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की पहली और अंतिम बैठक के बीच में 6-3 मास से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। अध्यक्ष कभी भी पहले वोट नहीं डालता, वो वोट तब डालता है जब वोट टाई हो जाए। जैसे 7 सदस्य हैं, 6 सदस्य एक अध्यक्ष, 6 सदस्यों ने वोटिंग की, 3-3 हो गए, तब अध्यक्ष डिसाइडिंग वोट डालेगा, अन्यथा नहीं डालेगा। तीसरा, यदि मान लीजिए कि आयोग का अध्यक्ष किसी कारण अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पा रहा, असमर्थ है, तो जो 6 सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष या पीठासीन अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे, और कार्य कार्य प्रक्रिया गण पूर्ति ये केंद्र सरकार के द्वारा आयोग मिलकर तय करेगा। लास्ट वाला पॉइंट, ये महिला आयोग के लिए भी जरूरी है, हर आयोग के लिए, कि आयोग जो भी फैसले लेता है, जो भी निर्णय लेता है, वो जो प्रमाणित किए जाते हैं, सर्टिफाइड किए जाते हैं, वो सदस्य सचिव के द्वारा किए जाते हैं। सदस्य सचिव एक सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है, एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसे केंद्र सरकार सीधे नियुक्त करती है, और मेनली वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से ही जुड़ा होता है। तो सभी आदेश व निश्चय सदस्य सचिव के द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, क्योंकि बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी और महिला आयोग भी दोनों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन होते हैं, यानी राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों का नोडल मंत्रालय कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें, प्रतिवेदन की, तो आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार को देता है, वार्षिक रिपोर्ट देता है, चाहे तो कुछ स्पेशल रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट भी दे सकता है। और ये जो रिपोर्ट दी जाती है, इसे 1 वर्ष के भीतर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को संसद या विधानमंडल में स्पष्टीकरण के साथ रखवाना होता है कि कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई और कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई। राष्ट्रपति या राज्यपाल को नहीं देता, ये केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को देता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो बहुत सारे कार्य हैं, पूरे के पूरे अधिनियम के अंदर से ही कार्यों को मैंने उठाया है। तो आयोग का पहला कार्य है कि बाल अधिकारों के लिए जो भी कानून है, कोई प्रावधान है, उनकी जांच करना, समीक्षा करना, और कैसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं उसकी सिफारिश करना। ये आपको महिला आयोग में भी सेम कार्य मिला होगा। दूसरा कार्य भी सेम है महिला आयोग जैसा ही, कि जो भी रक्षा उपायों से संबंधित रिपोर्ट है वो प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को देना, या फिर जब वो मांगे तब देना। तीसरा, मामलों की जांच करना, जो भी बालक अधिकारों से उल्लंघन से संबंधित मामले होते हैं उनकी जांच करना, उन पर कार्यवाही चलाना, दंड देना नहीं, केवल प्रोसेस करना। दंड देने का काम न्यायालय का है, प्रशासनिक अधिकारियों का है। तो पहला, किसी भी बालक अधिकारों के लिए जो कानून है उनकी जांच, समीक्षा और कैसे बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है, रिपोर्ट देना, बालक अधिकारों से संबंधित उल्लंघन मामलों की जांच करना, और जो भी बच्चे किसी प्रकार के आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, अश्लील चित्रण, दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, इनसे जुड़े हैं, जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं बाल बच्चों से संबंधित, जहां पर वो जुड़े हैं, कहां पर उनके सुधार किए जा सकते हैं, इस बारे में सिफारिश करना। इसके साथ साथ विशेष देखभाल और संरक्षण, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तनाव के शिकार होते हैं, जैसे परिवार में कोई ऐसा माहौल है, आपके समाज में कोई ऐसा माहौल है, कुछ वंचित बच्चे होते हैं,
तो जो ये तनाव से ग्रसित लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, कैसे उनके तनाव को दूर किया जा सके, उन बच्चों की विशेष देखभाल करने का काम भी ये आयोग करता है। इसके साथ साथ जो भी अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए हैं उनका अध्ययन करना, उस अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस प्रकार के एक्शन ले रही है, किस प्रकार की नीतियां कार्यक्रम बना रही है, उसकी जांच करना और गवर्नमेंट को सुझाव देना कि आप इस तरह से इसे कीजिए बेहतर होगा। बच्चों के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना, बच्चों के क्षेत्र में एनजीओस, मीडिया, प्रकाशन, बाल पत्रिकाएं जारी करना, इस प्रकार से संबंधित लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में जागरूकता बढ़ाना। इसके साथ साथ कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे जो किशोर संरक्षण गृह होते हैं, क्योंकि बच्चों को कभी सामान्य अदालतों में नहीं भेजा जाता, इनके अपने एक किशोर संरक्षण गृह होते हैं जहां पर बच्चों को सुधार दिया जाता है। वहां पर उनके हालात कैसे हैं, क्या उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं, इसके संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करना, शिकायतों की जांच करना। कोई बच्चा अगर शिकायत लेकर आया है, बेशक नहीं लेकर आया है, स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं, किसी रिपोर्ट के आधार पर, किसी न्यूज़पेपर के आधार पर, किसी अन्य सूचना के आधार पर वो बच्चों के संबंधित मामलों की जांच कर सकते हैं। और ऐसा अन्य कोई भी मामला जो समय समय पर सरकार के द्वारा सौंपा जाता है। देखिए, मैं आपको सीधा स्पष्ट बताता हूं कि महिला आयोग हो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो, इनके कार्यों को कभी भी रटा नहीं जाता। एक कॉमन सेंस लगाई जानी चाहिए, उस कॉमन सेंस के आधार पर ही हर कार्य के एक या दो कीवर्ड होते हैं, बस उसको पकड़ लीजिए और बस उसको याद रख लें। अब जिस प्रकार से महिला आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है, उसी प्रकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसके पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की पावर होती है, वही 6 शक्तियां जो हमने एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, महिला आयोग, इन सब में पढ़ी थी। तो इन 6 शक्तियों को आप हमेशा याद रखिए। अब आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो 2007 से लेकर 2013 तक शांता सिंह रही, 2013 से 2015 तक कुशाल सिंह रहे, 2015 से 2018 तक स्तुति नारायण काकर रही, और वर्तमान की अगर हम बात करें तो प्रियंक कानूगो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में देखिए, वेबसाइट पर यह मिलता है, कार्यालय का नाम मिलता है, वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, कब गठित हुआ अवेलेबल नहीं है, रूल्स नोटिफाइड हुए अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ मिलता है कि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा मध्य प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। बाकी सभी प्रावधान जो आपने केंद्र सरकार के संदर्भ में, राष्ट्रीय संदर्भ में पढ़े थे, वही आपको याद रखने हैं, बस केंद्र सरकार की जगह क्या आ जाएगा, राज्य सरकार। ठीक, तो ये था हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, साथ में बालक अधिकार संरक्षण कानून भी आपको 2005 हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कानून को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जितना करवाया है इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बात, कल आपका लेक्चर नहीं रहेगा, परसों हम लोकपाल को पढ़ेंगे, लोकपाल लोगों का रक्षक, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, और फिर संडे को आपका जो संवैधानिक निकाय है उसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जो 9 लेक्चर्स हम पहले पढ़ चुके हैं उसके ऊपर टेस्ट होगा। उसके अंदर ये सांविधिक निकाय नहीं आएंगे, यानी मानव अधिकार आयोग नहीं आएगा, महिला आयोग नहीं आएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं आएगा। उससे पहले हमने जितने अंतरराज्य परिषद तक पढ़े हैं वे सभी आपके उस टेस्ट के अंदर आएंगे, टेस्ट लाइव होगा, आप लोगों को जरूर आना है। टाइम वही रहेगा 5 बजे संडे को। परसों हमारा जो लेक्चर होगा वो किस पर होगा, लोकपाल पर। लोकपाल बहुत जरूरी विषय है आपके एग्जाम के लिए। हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आयोग और उस आयोग से संबंधित सवाल तुरंत ले ले, लेकिन उस सवालों के उत्तर आप तुरंत दे दोगे, क्योंकि क्या होगा कि वो आयोग ताजा ताजा आपने पढ़ा होगा, तुरंत आप उसके उत्तर दे दोगे। इसलिए हम सभी संवैधानिक निकायों का एक अलग टेस्ट लेंगे, और उसके बाद सभी सांविधिक निकायों का एक अलग टेस्ट लेंगे, और एक मेंस का टेस्ट अलग से होगा, उसके बारे में मैं आपको अलग से सूचना दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।